तो आज इंडिया एडमिनी टीम आ गई टोनी कोल्ड ड्रिंक्स पे और आज हम बनाएंगे यहाँ पे हैंडमेड शेक। तो भैया कौन कौन से फ्लेवर बनाते हैं यहाँ पे? यहाँ बनाना शेक बनाते हैं और जो चीकू शेक बना लेते हैं यहाँ पर, और ओरियो शेक जो मिल जाएगा आपको यहाँ पर, पीनट बटर मिल जाएगा आपको यहाँ पर, ये सब जो हैंडमेड में मिल जाता है आपको यहाँ मिल जाएगा आपको। आपने जिम वालों के लिए स्टार्ट किया ये जिम वालों स्पेशली क्या है कि लोग बाग आते हैं कि जूस कॉर्नर पे जाते हैं तो वहाँ पे उनको इतने अच्छे से नहीं मिल पाता, बट यहाँ पे आंखों देखी एकदम साफ क्या डल रहा है क्या नहीं डल रहा वो आपको यहाँ पे सब कुछ दिखा देंगे हम। बिल्कुल हैंडमेड, ताकि आजकल क्या है ना कि बॉडी मसल जितने भी बॉडी वाले बंदे हैं वो सब अपने हाथ से बनाना और अपने आंखों देखी पीना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि बॉडी को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, तो इसलिए तो दो बनाना डल रहा है इसमें। हाँ दो बनाना डल रहा है, अपने पसंद की बात है कि जैसा आपको टेस्ट पसंद है या बनाना ज़्यादा पसंद है या कम पसंद है वो उस हिसाब से है। मैक्सिमम दो बनाना शेक तो डलेंगे। तो भैया प्राइस क्या रहता है इसका? इसका जो बनाना शेक है उसको 70 रुपीज़ रहता है। 70 रुपीज़ प्राइस रहता है। हाँ अब चीकू बना रहे हैं, मतलब चीकू स्टार्ट हो गया बनना। अब चीकू भी यहाँ पर स्टार्ट हो गया, आपको आपको बिल्कुल आपके सामने आपको दिखाऊंगा मैं किस तरीके से यहाँ पर इसको पेस्ट किया जाता है या क्रश कराया जाता है। भैया चीकू वाले का प्राइस क्या रहता है? ये चीकू हमारा 80 रुपीज़ का रहता है। ठीक है, तो इसके अलावा और यहाँ पे मैंने सुना सोडा भी मिलता है जो कि काफ़ी फेमस है यहाँ पे। हाँ यहाँ पे जो है काफ़ी तरीके के सोडे मिल जाते हैं आपको, वॉलकैनो सोडा जो आपने बहुत चल रहा है आजकल वो भी सब यहाँ पे अवेलेबल है। हमारे पास वॉलकैनो जो सोडा जो है वो हमारे पास फ्लेवर में मिल जाएगा आपको, चीकू शेक हो गए, बनाना शेक हो गए, और भी ऑरेंज शेक, बटर स्कॉच वगैरह, ब्लैक करंट हो गया हमारे पास, शाही पान हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हम यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। आप मतलब क्वालिटीज कॉम्प्रोमाइज नहीं करते? नहीं 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 बिल्कुल नहीं, प्राइस बढ़ा देंगे बट क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए इन्होंने पूरा एकदम बनानों को अच्छे से क्रश कर दिया, हाथ से बनाने का तरीका देखिए इनका, बहुत ही लोग इसी चक्कर में यहाँ पे आते हैं कि देखिए भैया एकदम सामने सामने बनाते हैं, बिल्कुल भी आपसे छुपके नहीं बनाएंगे, एकदम सामने बनाएंगे, बिल्कुल सामने रहेगा। और इसमें क्या है कि हम थोड़ा सा ना जो क्रश रहता है तो इसको मेल्ट नहीं करेंगे, मेल्ट कर देते क्या वो लिक्विड में हो जाता है, तो लिक्विड में हमारी बॉडी को पता नहीं चलता, इसलिए हम उसको हल्का सा बस रहने ताकि क्रश में हमारे जो हमारे मुंह में जो आए तो हमें क्रश करना पड़े उसको अच्छा लगे, टेस्ट अच्छा आता है, टेस्ट अच्छा है, डिफरेंट टेस्ट आए, इसलिए ये आपका तो बनाना शेक क्रश हो चुका है। ऐसे कोई नहीं बनाएगा यहाँ पे, आपको पूरी दिल्ली में आप देख लोगे हैंडमेड बनाते हैं भैया। ये अब आपका चीकू का हुआ क्रश, ये देखिए ये आ गया चीकू का शेक है, तो ये देखिए ये चीकू का शेक बनना है यहाँ पे। तो ये कितना टाइम लग जाता है उसको बनने में? मैक्सिमम एक गिलास को हमारे को बनाने में 3 से 4-5 मिनट लग जाते हैं। अच्छा, तो अब इसमें आएगा शुगर आ जाएगा, लिक्विड शुगर। ठीक है लिक्विड शुगर, ये शुगर सिरप आ गया, ये स्वाद अनुसार ले सकते हैं आप, ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है आपको तो ज़्यादा मीठा भी नहीं, और थोड़ा वैसा लेना है तो वैसा भी चल जाएगा आपको। इसमें हल्की सी आइस आएगी, हल्की सी बिल्कुल नाम के लिए, क्योंकि बॉडी बिल्डर ज़्यादा आइस लेते नहीं है, बिल्कुल नाम के लिए आइस आएगी। ये बनाना शेक थोड़ा सा मिक्स करेंगे, इसे अच्छे से मैश हो जाएगा ये। ये देखिए ये भैया ने अच्छे से मिक्स कर दिया, इसको देखो इसकी क्वालिटी देखते हैं आप, ये ड्राई फ्रूट आ गया इसके अंदर अच्छे से। हाँ तो जितने भी जिम वाले भाई हैं आप यहाँ पे आके ये ट्राई कर सकते हो, और भैया एकदम देख सकते हो एकदम सामने बनाते हैं चीज़ें। आपको चेरी पसंद है चेरी डाल सकते हैं हम इसमें, तो जो भी चीज़ें आप कस्टमाइज करवाना चाहते हो करवा, बिल्कुल हो जाएगी, आप इसमें मिल्क होगा जो ऐड होगा। ठीक है, तो ये सबसे एंटरटेनिंग तरीका यहाँ पे देखिए बनाने का भैया का, जिस चीज़ के लिए भैया यहाँ पे फेमस है ये देखिए भैया का स्टाइल बनाएगा एकदम मुंबई स्टाइल में भैया। ये देखिए ये दूध को एकदम अच्छे से मिक्स करते हैं, तो ये आपको दिल्ली में कहीं और मिलने नहीं वाला, शहादरा के अलावा टोनी कोल्ड ड्रिंक्स पे आओ यहाँ पे, ये देखिए भैया का बनाने का स्टाइल। तो दोबारा एक बार दोबारा मैश करेंगे हम। ठीक है, तो ये भैया इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो भैया टाइमिंग बता दीजिए दुकान की एक बार। ये हमारी सुबह 11 बजे के बाद में रात को 11 बजे तक हमारी टाइमिंग रहती है। अच्छा। इसमें हल्का सा मिल्क और ऐड होगा। संडे हमारा ऑफ रहता है। संडे ऑफ रहता है बिल्कुल सर। अब इसके ऊपर दोबारा काजू आएंगे, तो देखो ड्राई फ्रूट एकदम ओवरलोडेड है ये। भैया यहाँ का एड्रेस बता दीजिए किसी को आना हो यहाँ पे, तो अगर किसी को यहाँ पे आना है तो बाबूराम स्कूल भोलानाथ नगर, भोलानाथ नगर बाबूराम स्कूल, बिल्कुल बिल्कुल उसके फ्रंट पे ही हम मिल जाएंगे आपको। आप टोनी कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे किससे पूछोगे तो आपको लोग यहीं पे भेज देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके बनाना शेक रेडी हो चुके हैं और ये चीकू शेक। ठीक है, तो शेक मेरे यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, तो अब इसको जल्दी से टेस्ट करके देखते हैं कैसा ही टेस्ट है। तो फाइनली टोनी भाई के दोनों फेमस शेक यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। तो ये है यहाँ पे बनाना शेक जिसमें इन्होंने ड्राई फ्रूट्स डाले, वो बनाना एकदम मैश करके हाथ से कूट के बनाया हुआ है, और उसमें साथ में इन्होंने दूध डाला है और थोड़ा सा चॉकलेट सिरप, और सेकंड यहाँ पे जैसे चीकू शेक है ये, तो इसमें भैया ने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, चॉकलेट डाले, चीकू को एकदम मैश करके हाथ से बनाया ये, तो दोनों शेक यहाँ पे लग चुके हैं, तो मैं दोनों को एक बार टेस्ट कर लेता हूँ।
तो भैया ने एकदम फ्रेश बनाना लेके उसको मैश करके ये शेक रेडी किया है और टेस्ट में काफ़ी अच्छा है। तो एकदम ड्राई फ्रूट सारे मुँह में पल्प आ रहा है और काफ़ी अच्छा टेस्ट है, चॉकलेट का फ्लेवर आ रहा है, बहुत ही अच्छा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे ये जो शेक है इतना टेस्टी हो सकता है, वो हैंडमेड शेक है क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे जो मिलते हैं मशीन मेड मिलते हैं, मशीन में बना के आपको दे देते हैं, बट जो इसका इनका जो बनाने का तरीका है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जो इनकी शेक की थिकनेस है बहुत ही ज़्यादा है, जो ड्राई फ्रूट्स है बहुत ही ओवरलोडेड है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो इस शेक को ट्राई कर सकते हो, 70 का प्राइस है, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये। नेक्स्ट मैं ट्राई करूँगा चीकू शेक, एकदम नेचुरल शेक, जैसे कि भैया ने चीकू एकदम सामने काट के इसमें बनाया था, उसमें मैश किया था अच्छे से, फ्लेवर्स बहुत ही अच्छे हैं। जो इसकी थिकनेस है मुझे काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि मैक्सिमम शेक्स होते हैं ज़्यादा पतले से होते हैं, कुछ ज़्यादा क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, बट जो इसकी थिकनेस है और मुझे जो इसका टेस्ट है काफ़ी अच्छा लगा। तो अगर आप भी शाहदरा विजिट कर रहे हो तो भोलाना नगर में आके टोनी भाई के पास आके शेक ट्राई कर सकते हो। तो मुझे तो दोनों ओवरऑल बहुत ही अच्छे लगे। तो जो बनाना शेक है इसका प्राइस है 70 रुपीज़ और जो चीकू का है इसका 80 रुपीज़। तो आप ये दोनों ट्राई कर सकते हो यहाँ पे आके। तो अब मैं इनको जल्दी से यहाँ पे फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।